नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओलिजिन में। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे आपके सभी सवाल जो आपने मुझे कमेंट में करके बताए थे, मैं आज उन सवालों को आपको जवाब दूंगा। दोस्तों क्या होता है कभी कभी जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो हमसे कोई ना कोई गलती हो जाती है, या हमने जो फॉर्म फिल कर दिया है उसके हम दोबारा करेक्शन करना होता है तो हम कैसे करें। तो दोस्तों इन सभी सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों इसमें मैं आपको 5 तरह की चीज़ें बताऊंगा जिसमें सभी कवर कर लेंगे, यानी सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो पहला जो हमारा है, पासपोर्ट भूल गए तो फॉरगेट कैसे करें, ठीक है। दूसरा है, फॉर्म में गलती हो गई तो कैसे सुधारें, और दस्तावेज कैसे अपलोड करें। दोस्तों बहुत सारे दस्तावेज अपलोड नहीं हो रहे तो उनको दस्तावेज अपलोड कैसे कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आधार KYC अपडेट कैसे करें, या कैसे करना है, आपसे हुई या नहीं हुई उसको अपडेट कैसे करें, ठीक है। और तीसरा है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया वो क्या करें, ठीक है। जिन्होंने पहले 2017 में रजिस्ट्रेशन करवाया था उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करना है या नहीं करना है, तो इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके हमें बता दीजिए कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो हम उसको सॉल्व कैसे करें, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले हम दोस्तों इसकी वेबसाइट पर आ जाते हैं जहाँ से हमने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था। दोस्तों इसकी पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें मध्य प्रदेश का, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी टीचर वाला जो MP का फॉर्म कैसे भरें, ठीक है। इसके लिए फिर से यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों आपके सामने यहाँ पे इस प्रकार का पेज ओपन होगा। यहाँ पे उपलब्ध सेवाएं, ये देखिए यहाँ पे लिख रखा है उपलब्ध सेवाएं, उम्मीदवार प्रोफाइलिंग, विकलांग पंजीकरण, ठीक है। तो सबसे पहले आप पासवर्ड खुल गए तो आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पे देखिए उम्मीदवार प्रोफाइलिंग पर क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म, प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म संशोधन, फॉरगेट पासवर्ड, प्रोफाइल पासवर्ड, तो हमें इस पर क्लिक करना है, ठीक है। फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे जो आपने पंजीकरण जो पहले करे थे उनको यहाँ पे पंजीकरण आपको फॉर्म डालना है, जैसे कि मैं आपको डाल के बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पंजीकरण नंबर कुछ इस प्रकार से आए और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल देना है जो आपने पहले फॉर्म में दिए थे, ठीक है। आप जो पासवर्ड भूल गए हो, ठीक है, उनको यहाँ पे मोबाइल नंबर आप फिल करके कैप्चा कोड फिल करके यहाँ पे सबमिट कर देना है। दोस्तों इतना करने पर आपके जो पासवर्ड है वो फॉरगेट हो जाएंगे, जो आपने मोबाइल नंबर दिया था यहाँ पे इस जगह पे वो आपके मोबाइल नंबर पे चला जाएगा, वहाँ से आप पासवर्ड याद कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी हमारी पासवर्ड भूलने वाली चीज़, तो ठीक है। दोस्तों अब जो दूसरी चीज़ आती है कि फॉर्म में गलती हो गई तो कैसे सुधारें, तो यहाँ पे देखिए फिर से हमें होम पेज पे आ जाना है यहाँ पर, और यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे फिर से हमें उम्मीदवार प्रोफाइलिंग पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए प्रोफाइल रसीद पूर्ण अपलोड दस्तावेज, प्रोफाइल बनाने और पूर्ण एड्रेस, और यहाँ पे प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म का फॉर्म संशोधन, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें हमें क्लिक कर देना है, और यहाँ पे देखिए आपसे पंजीकरण क्रमांक मांगेगा जो आपने पहले भर दिए थे फॉर्म वाले, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे आपके पासपोर्ट। दोस्तों मैंने आपको पासपोर्ट फॉरगेट करना बता दिया है, आप वहाँ से पहले पासपोर्ट फॉरगेट कर दें, फिर यहाँ से आप पंजीकरण क्रमांक, डेट ऑफ बर्थ और पासपोर्ट डाल के यहाँ पे देखिए 8+2 यानी 89 ऐसे कैप्चा कोड फिल कर देना है इनको प्लस करके, और यहाँ पे प्रोसीड ये फॉर एडिट पे क्लिक करके आप फॉर्म में संशोधित कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये सी हमारी सेकेंड जो आपको प्रॉब्लम आ रही थी, इसके बाद में फिर से हम गो टू होम पे क्लिक करेंगे, और फिर से हम दोस्तों इसी पेज पे आ जाएंगे। दोस्तों अब हमारा तीसरा जो संशोधन है दस्तावेज अपलोड करने का, तो दोस्तों इसमें दस्तावेज अपलोड कैसे होंगे, तो फिर से हमें यहाँ पे मान लीजिए किसी का रजिस्ट्रेशन हुआ और आपने बीच में ही छोड़ दिया उसको, और आप चले गए और आपने प्रोफाइल वगैरह सब बना ली, मगर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जैसे आपकी मार्कशीट अपलोड करनी है, विकलांगता वो विकलांग वाले अपलोड करनी है, और आपको फोटो साइन वो अपलोड करने हैं, तो आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए फिर से आप यहाँ पे उम्मीदवार प्रोफाइलिंग पर आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे देखिए ये देखिए प्रोफाइल रसीद पुनर्मुद्रण और अपलोड दस्तावेज, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करते हैं आपसे यहाँ पर पंजीकरण क्रमांक मांगेगा, और आपके डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड फिट करके यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपका फॉर्म खुलते ही आपको वहाँ पे अपने दस्तावेज अपलोड कर देने हैं। दोस्तों वो फोटो और साइन जो व्यापम परफॉर्मा होता है वो उसी रूप में आपको बिल्कुल सेट करना होता है दोस्तों, तो आप उसको सेट करके ही अपलोड करें, ठीक है।
इसके बाद में दोस्तों मैं आपको चौथा पॉइंट बताता हूँ, आधार ई केवाईसी अपडेट कैसे करें। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको होम पेज पर फिर से आ जाना है, ऑनलाइन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखिए भुगतान करने के बाद आवेदन पत्र आरंभ करने की तिथि और ये आरंभ करने की तिथि 11 सितंबर, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है आवेदन पत्र पर। इसके बाद में यहाँ पे देखिए मैं ये घोषणा करता हूँ, जो भी आपको इस चेकबुक पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ने के बाद तो आपको यहाँ पे सामान्य पंजीकरण क्रमांक डेट ऑफ बर्थ डाल के आपको यहाँ पे 35-7 पे क्लिक करना है, 27 कर आगे बढ़ जाना है। या फिर आपको दोस्तों अगर आप प्रोफाइल में दोबारा से यहाँ संशोधन करना चाहते हो, नवीनतम प्रोफाइल पंजीकरण करना चाहते हो, तो आप यहाँ से प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके भी कर सकते हो, यानी आप दोबारा नए बनाना चाहते हो तो। या फिर आप आधार ई केवाईसी अपडेट करना चाहते हो, दोस्तों ये देखिए अपडेट करना चाहते हो, यहाँ क्लिक कर, तो आपको यहाँ पे एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपना आधार अपडेट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अंतिम और हमारा जो मेन टॉपिक है उसके बारे में आपको बता दूँ, जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कराया है वो क्या करें। दोस्तों जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कराया उनके पहले आधार ई केवाईसी अपडेट नहीं था, तो उनको उसी सेम से पहले पासपोर्ट फॉरगेट कर लेना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पासपोर्ट फॉरगेट करना आपको कर लेना है। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, वही जो मैंने अभी बताया था आपको, एडिट प्रोफाइल से यहाँ पे देखिए प्रोसेस फॉर एडिट, इस पर क्लिक करके जैसे मैंने अभी नीचे बताया था थोड़ी देर पहले, वो करके यहाँ पे अपने पुराने रेशन नंबर डालने, यहाँ पे वो डालने और यहाँ पे पासपोर्ट डाल के यहाँ पे करके यहाँ से उनके आधार ई केवाईसी हो जाएगा। तो इस फरे से आपके सारे सभी सवालों के जवाब मैंने इस वीडियो में दे दिए दोस्तों। अगर आपको कोई भी दिक्कत फिर भी आए तो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिए, या फिर आप मेरा नंबर ले लीजिएगा, अब मैं आपको दे दूंगा, आप वहाँ से मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हो। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तभी मैं आपसे कुछ हेल्प कर पाऊँगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ।